जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार कटड़ा में विभिन्न जगहों पर घूम घूम के कोविड 19 के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से दिया संदेश कि अपने और दूसरों की सुरक्षा के लिए घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें और बिना जरूरतों के घर से बाहर ना निकले। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचे। आप सभी कटरा वासियों को ये संदेश है या आप ये माता रानी का संदेश समझे और खासकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ये सभी को संदेश दिया जा रहा है कि आप सभी भाई बहन अपने घर से जब बाहर निकलते हैं अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बिना मास्क पहने अपने घर से बाहर ना निकले। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा ने पूंछ का दौरा किया। पहुंच में उन्होंने तमाम सरपंचों से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरपंचों को पूरे अधिकार दिए जाएं। साहबान है, पंच साहबान है, डिप्टी सरपंच है और हमारा मकसद है कि हमारे जहाँ पे कुलीग जो है हमारे भाई अजय भारती जी शहीद किए गए डूरू क्षेत्र में और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अभी थोड़े दिन पहले, उनको श्रद्धांजलि का हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कल डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हम लोगों ने शुरुआत इसकी की थी, आज दूसरा दिन डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हम लोग श्रद्धांजलि, हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि जो है उनको दी है। और उसके साथ साथ तमाम जितने भी हमारे साथी जहाँ पे PRIs के इलेक्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं, तमाम साथी हमारे जहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने अपनी अपनी ग्रीवेंसी जो है जहाँ पे रखी और इन्होंने तमाम साथियों ने कहा कि हम लोगों को ज़िला इंतज़ामिया जो पूंछ है वो हमें अकोमोडेट नहीं करते, हमें बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हो, चाहे वो नीचे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के नीचे तमाम तहसीलदार हों या नायब तहसीलदार हों या उसके साथ साथ जो है बाकी के डिपार्टमेंट जितने हैं, इन लोगों का कहना है कि हमें अकोमोडेट नहीं किया जाता है। हम लोग बार बार जाते हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। और दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये आपको पता है ये सरहदी इलाका है, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, रोज़ाना जहाँ पे शेलिंग जो है बॉर्डर से होती है और हमारे जो बॉर्डर के एरिया में आपको पता है तमाम एरिया में जो है वो पंचायतें हैं और बॉर्डर पंचायतों में ही हैं और बॉर्डर के साथ साथ तमाम पंचायतें हमारी हैं, वहाँ पे शेलिंग होती है और शेलिंग की वजह से हमारे बहुत से जान और माल की जो है वो नुकसान भी उसमें होता है। और इनका कहना है कि जहाँ पे बॉर्डर एरिया में एक एम्बुलेंसें जो हैं अपने बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसें जो है वो जहाँ पे मुहैया करवाई जाएं ताकि जब किसी शख्स को वहाँ से उठाना होता है तो एक प्राइवेट गाड़ी तब शेलिंग जब हो रही होती है वहाँ पे जा नहीं सकती और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो है वो मुहैया करवाई जाएं, कम से कम इस बॉर्डर पे जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।